गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर नंबर थर्टीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाँ जी जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोस्ट ऑफ कैपिटल एक फर्म की कोस्ट ऑफ कैपिटल को मैनी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स हम रीड करेंगे फर्स्ट है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो रिस्क फ्री एंड सिक्योरिटीज़ पे होती है अब क्वेश्चन अराइज़ होता है कि रिस्क फ्री या डिफॉल्ट फ्री सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटीज़ इशू करती है वही हमारी रिस्क फ्री एंड डिफॉल्ट फ्री सिक्योरिटीज़ होती है इन सिक्योरिटीज़ की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होती है इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो फाइनेंशियल मार्केट में इन सिक्योरिटीज़ की डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है डिमांड सप्लाई के कंपेयर में जितनी हाइयर होती है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट उतनी ही हाइयर होती है और जिसका इफेक्ट एक फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये होता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है हाँ जी नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क बिजनेस रिस्क मीन्स एक फर्म की सेल्स में चेंज होने से उस फर्म के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो भी चेंज आता है वही क्या है बिजनेस रिस्क यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक फर्म यदि एक ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करती है जिसमें एवरेज रिस्क के कंपेयर में मोर रिस्क है तो ऐसे में जो इन्वेस्टर हैं वो इंक्रीज रिस्क के कंपनसेशन के लिए अपने कॉस्ट ऑफ फंड को इंक्रीज कर देते हैं तो इससे फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी हाँ जी नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल रिस्क रिस्क भी एक फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करता है अब फाइनेंशियल रिस्क कैसे इफेक्ट करता है तो इसके लिए हम समझते हैं एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म डेप्ट का रेशियो जितना ज़्यादा होगा उस फर्म में फाइनेंशियल रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा क्यों लॉन्ग टर्म डेप्ट में मैंने जैसे एग्जाम्पल ले लिया डिवेंचर मैं मान लेती हूँ एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डिबेंचर है उसका रिशो ज़्यादा है यानी कि उस फर्म ने अपनी मैक्सिमम कैपिटल डिबेंचर से अराइज़ की है तो उस फॉर्म पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट की पेमेंट पीरियोडिक इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है डिबेंचर का उन दोनों की पेमेंट का बर्डन रहेगा यानी कि रिस्क रहेगा फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा अब फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा तो जो इन्वेस्टर है यानी कि जो डिवेंचर होल्डर है वो इंक्रीज रिस्क के लिए कंपनसेशन के लिए अपनी कॉस्ट को बढ़ा देंगे यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की डिमांड करेगा तो ऐसे में जो फर्म है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस भी एक फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करता है जनरली जो लॉन्ग टर्म फंड होते हैं उनकी कॉस्ट शॉर्ट टर्म फंड के कंपेयर में मोर होती है और हमें यह भी पता है जो फिक्स सेट्स है वो लॉन्ग टर्म फंड के थ्रू ही परचेज की जाती है तो जो फर्म फिक्स एसेट्स में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही हाइयर होगी और जो फर्म फिक्स एसेट्स में जितना कम इन्वेस्ट करेगी उसकी कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही लो होगी हाँ जी नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फंड की रिक्वायरमेंट भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करती है अगर हमें मीन्स फम को लार्ज अमाउंट फंड की अगर रिक्वायरमेंट है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी और अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर रहेगी नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करता है अगर एक फर्म का जो मैनेजमेंट है वो एग्रेसिव है इफ़िशियंस है मीन्स अगर वो लोअर अमाउंट ऑफ लिक्विड फंड से ही एक बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर पाता है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम रहेगी ठीक है और इसके रिवर्स कंडीशन में मींस अगर मैनेजमेंट एग्रेसिव नहीं है इफ़िशियंस नहीं है तो वो क्या करेगा स्टार्टिंग में ही लिक्विड ऑफ फंड इसका हाई अमाउंट रखेगा अब लार्ज अमाउंट रखेगा तो इससे फर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करते टाइम फर्म को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं फर्स्ट है हिस्टोरिक कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करते टाइम जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है कोस्ट के कंसेप्ट को लेके कुछ पर्सन के अकॉर्डिंग जो बुक कॉस्ट है वो हिस्टोरिक हिस्टोरिक है तो यानी कि बुक के बेस पे ऑफ कैपिटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसके बेसिस पे जो डिसीजन लेंगे वो इरिलेवेंट होगा सो so, ये क्वेश्चन अराइज होगा कि फिर डिसीजन मेकिंग के लिए तो क्वेश्चन अराइज होगा फिर हम कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए फ्यूचर कॉस्ट का कंसेप्ट यूज करें या हिस्टोरिक कॉस्ट का तो इसका आंसर होगा फ्यूचर कॉस्ट यानी कि पर्पज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करना होगा ना कि हिस्टोरिक यानी कि बुक कॉस्ट को हाँ जी नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम एक फर्म को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है क्यों क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल डिपेंड करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स जितना फर्म से रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो फॉर्म से कितने रेट ऑफ़ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं यानी कि फर्म को इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को एसेस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत से फैक्टर्स हैं जिनसे इफेक्ट भी होती है हाँ जी नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जनरली हम क्या सोच के चलते हैं कि जो रिटेन अर्निंग है वो कॉस्ट फ्री कैपिटल का सोर्स है क्योंकि जो रिटेन अर्निंग है वो किसी आउटसाइड सोर्स से तो रेज होती नहीं ठीक है रिटेन अर्निंग का मतलब वो प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उसको बिजनेस में ही रिटेन कर लिया गया है फ्यूचर में उसको यूज करेंगे तो उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए बट ये ओपिनियन बिल्कुल रोंग है रिटेन अर्निंग की भी अपनी कॉस्ट होती है जिसको हम नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब रिटेन अर्निंग की फॉर्म में जो प्रॉफिट है अगर फर्म उस प्रॉफिट को बिजनेस में रिटेन ना करके इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते डिविडेंड के फॉर्म में तो जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं अपने उस डिविडेंड को एक्सटर्नल इन्वेस्ट करते अब इन्वेस्ट करते तो उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलता अब जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो इन्वेस्ट की जो अपॉर्चुनिटी है वो डिफरेंट होती तो उन्हें डिफरेंट रेट के अकॉर्डिंग डिविडेंट मिलता तो जितना डिविडेंट उनको मिलता जिस रेट के अकॉर्डिंग मिलता वही क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब फर्म को क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए बेस क्या ले वो तो डिफरेंट डिफरेंट है तो प्रॉब्लम आ गई हाँ जी नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन असाइनिंग वेट फंड या फाइनेंस के जितने भी सोर्स हैं उनको वेट प्रोवाइड करने के लिए मेनली दो बेस यूज किए जाते हैं जिसमें से फर्स्ट बेस है बुक वैल्यू और सेकंड बेस है मार्केट वैल्यू ठीक है अब फर्म के सामने क्या प्रॉब्लम आएगी कि दोनों बेस में से कौन सा चूज करे किसके बेस पे वेट प्रोवाइड करे हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कोस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस वो कॉस्ट जो ऑलरेडी एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है ठीक है हिस्टोरिकल कोस्ट को कंप्यूट करते हैं पास्ट डाटा के बेसिस पे तो अब क्वेश्चन एराइज होता है कि फ्यूचर कॉस्ट को किसके बेसिस पे कंप्यूट करते हैं तो फ्यूचर कोस्ट के लिए बेस क्या लेके चलते हैं हिस्टोरिकल कोस्ट ही बेस लेके चलते हैं तो जो हिस्टोरिकल कोस्ट है वो फ्यूचर कॉस्ट के एस्टिमेशन में हेल्प प्रोवाइड करती है हाँ जी नेक्स्ट है स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट या कंबाइन कॉस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट का मतलब फाइनेंस या फंड के जो वेरियस सोर्स हैं उनकी अपनी डिफरेंट कॉस्ट होती है तो ईच सोर्स की कॉस्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कॉस्ट फॉर एग्जांपल डिवेंचर की कॉस्ट इंटरेस्ट शेयर्स की कॉस्ट डिविडेंट अर्निंग की कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये जो मैंने बताए हैं आपको इंटरेस्ट है ये एक स्पेसिफिक कॉस्ट हो गई क्योंकि ये किसके लिए है डिवेंचर्स के लिए डिविडेंट एक स्पेसिफिक कॉस्ट हो गई क्योंकि ये किसके लिए है शेयर्स के लिए ऐसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक स्पेसिफिक कॉस्ट हो गई क्योंकि ये किसके लिए है रिटेन अर्निंग के लिए कंपोजिट कॉस्ट यहाँ पे कंपोजिट या कंबाइन कॉस्ट का मतलब है फंड या फाइनेंस के जो ये वेरियस सोर्स हैं इनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है कंपोजिट या फिर कम्बाइन कोस्ट जिसे फर्म की ओवरऑल कोस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं हाँ जी नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कोस्ट एक्सप्लिसिट कोस्ट मींस वो कोस्ट जो जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर होते हैं उनको पे की जाती है फर्म की तरफ से तो एक्सटर्नल इन्वेस्टर में जैसे हमारा डिबेंचर होल्डर हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया इक्विटी शेयर होल्डर हो गए ठीक है डिवेंचर होल्डर को फर्म क्या पे करती है इंटरेस्ट पे करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे करती है डिविडेंड पे करती है इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पे करती है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे करती है तो एक्सप्लेसिट कॉस्ट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात कर रहे हैं ये एक्सप्लेसिट कॉस्ट है हाँ जी इसी में नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीसिट कॉस्ट तो इम्प्लीसिट कॉस्ट का मतलब फर्म जिसको Uh, मतलब इंटरनल जो इन्वेस्टर होते हैं उनको पे करती है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब हम किसकी बात करेंगे रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट फर्म को रियल में किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर को पेमेंट नहीं करनी होती थैंक यू